देवेंद्र नाथ महतो को भी उस पार्टी से ऑफर आया था जिस पार्टी में अभी अमित महतो गए हुए। कई बार ऑफर आया था, साफ साफ शब्दों में एकदम हम बता रहे हैं वही शब्द में कि बोरा के बोरा पैसा, गाड़ी, टिकट कंफर्म, मुहर मारिए, उसके बाद सीएम से डायरेक्ट बात होगा, उसके बाद जो है कि आप मैंने शामिल होइएगा। हम इसीलिए अभी तक आरबीआई ऐसा कोई पैसा नहीं छपा है कि देवेंद्र नाथ महतो को खरीद सकता है, ऐसा पैसा छपा ही नहीं है अभी तक। नहीं तो दूसरा कोई रहता तो अभी एक रात में गाड़ी, एक रात में फ्लैट, एक रात में अपार्टमेंट हो जाता, लेकिन टिकट भी आपको मिल जाता। अरे पहले तो मुहर लगा रहा था जी टिकट के लिए, तब उसके बाद दो दिन मेरे पीछे घूमते रहा, अंततः जब हम नकार दिए। देवेंद्र नाथ महतो का सीधा टक्कर किससे होगा, आसू के सुदेश महतो से या फिर जेएमएम के जो प्रत्याशी अमित महतो, इन दोनों के बीच में टप किन के साथ आपका ज्यादा लग रहा है कि उनके साथ मेरा मुकाबला टप है? तो जोहार नमस्कार दोस्तों, अभी हम है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के डुमरी विधानसभा में। आज टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पे आज टाइगर जयराम महतो को नॉमिनेशन को सफल बनाने के लिए। और हमारे साथ देख सकते हैं जेएलकेएम के सिल्ली विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि देखा जाए तो आज टाइगर जयराम महतो को नॉमिनेशन है और कुछ दिनों के बाद देवेंद्र नाथ महतो का भी नॉमिनेशन होने वाला है। और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से इस बार देवेंद्र नाथ महतो ने लोकसभा का चुनाव तो लड़ा ही था रांची लोकसभा से, अब विधानसभा का चुनाव भी सिल्ली विधानसभा से लड़ रहे हैं। देवेंद्र दा सबसे पहले जोहार, जोहार जोहार जोहार। आज आप टाइगर जयराम दा के नामांकन रैली में शामिल हुए, क्या कहना चाहिएगा जी? आज हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम सम्मानित मतदाता से हम कहना चाहेंगे कि इस बार सर ऊंचा करके, गर्व महसूस करके, सीना चौड़ा करके टाइगर जयराम महतो को विधायक के रूप में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में गर्व के साथ मतदान करें, बटन दबाएं और पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाएं और कैंची छाप को लाएं, क्योंकि जो संकल्प है मेरा, जब तक नियोजन नीति नहीं आएगा तब तक बाल नहीं कटेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कैंची छाप से जयराम महतो मुख्यमंत्री बने और राज्य के जो भुक्तभोगी, पीड़ित, शोषित, दुखित जो बच्चे हैं उसको न्याय करते हुए मेरा बाल भी कट जाए। जयराम महतो जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद। आज जयराम महतो को नॉमिनेशन है, देवेंद्र नाथ महतो कब नॉमिनेशन करा रहे हैं? आगामी 28 तारीख दिन सोमवार को करेंगे और मेरा सिल्ली से रैली करते हुए मोराबादी मैदान जाएंगे और मोराबादी मैदान से जो है कि डीसी कार्यालय तक हम पैदल यात्रा करते हुए जाएंगे। क्या इस बार का समीकरण क्या कुछ रहने वाला है? आसू जेएमएम, जिस तरह से अमित महतो का जेएमएम में चला जाना, कहीं ना कहीं जेएलकेएम में वो आए थे, आज जयराम महतो का नॉमिनेशन है। लोकसभा के चुनाव में जब जयराम महतो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं अमित महतो मंच पे दिखते हैं, लेकिन जब जयराम महतो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो दूसरे पार्टी में चल जाते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए हम सिल्ली क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं ना, देखिए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो सिल्ली क्षेत्र में बढ़ती जनाधार है, टाइगर जयराम जी का जो विचार को जो पूरी स्वीकार कर लिया है वहाँ की जनता और हम लोग का संघर्ष से जो उन लोग का विश्वास हुआ है, यह बहुत उथल पुथल कर दिया है। आप देखिए जो जो पूर्व विधायक जिसका आप चर्चा किए, जो नामांकन के लिए आए थे, उसको हम लोग के केंद्रीय अध्यक्ष के माध्यम से और प्लस हम लोग सिल्ली के क्षेत्र के आम जनता के तरफ से भी उसको कई बार हम लोग उसको नेता भी दिए थे कि आप हमारे पार्टी में आकर के आप हमारे साथ में आइए और सबको मिल के हम राज्य का नवनिर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने कई बार लाइव के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी वो इनकार कर दिए। अंततः जो है कि चूंकि राज्य की जनता ने जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से हम लोग को नया विकल्प के रूप में देखा है, तो फिर हम लोग अपना सिद्धांत के तरफ से हम लोग बढ़ते गए। तो आपको हम आज और मेरा जो नामांक सूची में नाम आया प्रत्याशी के रूप में, उसके बाद जिस पार्टी में वो गए, आपके चैनल के माध्यम से हम जिम्मेदारी पूर्ण से हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिस पार्टी में गए उस पार्टी से मेरा कई बार ऑफर आया था। अच्छा, मैंने देवेंद्र नाथ महतो को भी उस पार्टी से ऑफर आया था जिस पार्टी में अभी अमित महतो गए हुए? कई बार ऑफर आया था, साफ साफ शब्दों में एकदम हम बता रहे हैं वही शब्द में कि बोरा के बोरा पैसा, गाड़ी, टिकट कंफर्म, मुहर मारिए, उसके बाद सीएम से डायरेक्ट बात होगा, उसके बाद जो है कि आप मैंने शामिल होइएगा। हम स्पष्ट रूप कर दिए कि हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलन किए हैं, बाल नहीं कटाने की कसम खाए हैं, आंदोलन के दौरान अपना मां को खोए हैं,
जेल तक का सफर किया है, इतना लाठी खाया है कि तीन बार मरते मरते बचे हैं। हम लोग सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, राज्य के जो पीड़ा है, तकलीफ है, दर्द है, जो वंचित शोषित है उसका समाधान करने आए हैं। अगर राज्य के किसी भी गांव में अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो चाहे वीडियो रहे, सीओ रहे, एसपी रहे, डीएसपी रहे, डीसी रहे, उसको हुकूमत चलाने आए कि जाइए गांव जाकर के काम करिए। इसीलिए अभी तक आरबीआई ऐसा कोई पैसा नहीं छपा है कि देवेंद्र नाथ महतो को खरीद सकता है, ऐसा पैसा छपा ही नहीं है अभी तक। नहीं तो दूसरा कोई रहता तो अभी एक रात में गाड़ी, एक रात में फ्लैट, एक रात में अपार्टमेंट हो जाता, लेकिन टिकट भी आपको मिल जाता। अरे पहले तो मुहर लगा रहा था जी टिकट के लिए, तब उसके बाद दो दिन मेरे पीछे घूमते रहा। अंततः जब हम नकार दिए, हम कह दिए कि आरबीआई अभी तक ऐसा पैसा छपा नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो को खरीद सकता है, हम सिद्धांत से भटक नहीं सकते हैं क्योंकि नेतृत्व करने वाला का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तब जाकर के मेरे साथियों को कहा कि इसको बार बार इसके पीछे पड़ गए हैं, ये नहीं समझ रहा है, ये नहीं मान रहा है, ये नहीं सुन रहा है। तब हम लोग जाके दूसरा तरफ तलाश करते हैं, जैसे ही तलाश किया साथी दौड़ के गए, इसीलिए कि उस घर को उन्होंने देखा था, उस दरवाजा को उन्होंने देखा था, इसलिए दौड़ते हुए किया। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आप उस पार्टी को छोड़े थे और आज उसी दरवाजा पर उसी घर गए, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ तो जनता को ये समझ में आता है कि उस पार्टी से वो छोड़ के नहीं आए थे, बल्कि उस पार्टी से भेजा गया था आंदोलन को विचलित करने के लिए, आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए। शायद इसीलिए जब आंदोलन कर रहे थे हम लोग सड़क पे, तब वो एक पार्टी भी बनाए थे, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, उस पार्टी का सिंबल भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद शायद वो हम लोग से सामना नहीं कर पाए, इसीलिए विलय कर दिए। देवेंद्र नाथ महतो का सीधा टक्कर किससे होगा? आसू के सुदेश महतो से या फिर जेएमएम के जो प्रत्याशी अमित महतो? इन दोनों के बीच में टप किन के साथ आपका ज्यादा लग रहा है कि उनके साथ मेरा मुकाबला टप है? देखिए हम एज ए प्रत्याशी बोलेंगे तो आदमी बोलेगा कि प्रत्याशी तो बोलेगा ही, लेकिन हम वहाँ का जो मेरा समर्थन है, वहाँ का जो जनाधार है, जिससे विचलित होते हुए वर्तमान विधायक जो देवेंद्र नाथ महतो का संकल्प है और जनता का साथ है, जिसका परिणाम वर्तमान विधायक का विकल्प तलाश है टुंडी, हमारा संकल्प और जनता का साथ का परिणाम है कि पूर्व विधायक जो है कि जिस घर को छोड़े थे उस उद्देश्य पूरा हुआ और उस घर को वापस गया। और इन लोग का उथल पुथल से लगता है कि इस बार पूर्ण रूप से जनता हमारे साथ है, जिस प्रकार गांव जाते हैं तो निकलता है, जो दृश्य देखने को मिलता है उससे टक्कर नहीं बोल सकते हैं, खड़ा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जनता का अपार प्रेम है, बहुत समर्थन है, चावल, पैसा, दाल, तेल सब चीज जला जला करके इस बार इस चुनाव को लड़ रहा है। और वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग नीति कानून, हक अधिकार, रोजगार, स्वास्थ्य का बात नहीं कर रहा है, वो लोग क्या कर रहा है, शिकारी जाओ टाइप से। अरे ये गांव में वोट लाने के लिए कई गो टी शर्ट बांटना होगा, उस गांव में वोट लाने के लिए कितना मुर्गा खिलाना होगा, वो गांव में वोट लाने के लिए कहे तो कई बोतल दारू पिलाना होगा, वहां वोट लाने के लिए कितना पैसा देना होगा। इन लोग का यही मतलब शिकारी टाइप का, जनता को फंसाने के लिए दाना डाल करके, जैसे नहीं बोलता है देवेंद्र नाथ कौन सा जाल बिछाएंगे, तो जैसे वो लोग पहले से जाल बिछाए हैं, दाना भी डाल देंगे, आप कहते हैं कि फंसना नहीं है, तो कैसे लोग, यदि आज भी लोगों को आप जाके समझाएंगे तभी तो लोग नहीं फंसेंगे, नहीं तो फिर से फंस जाएंगे लोग। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग जैसे ही पावर में आएंगे, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, उसको पूरा करेंगे। आज जिस नेता मंत्री लोग आप लोग बात करते हैं, उन लोग को कई मीडिया में आप लोग दिग्गज का नाम से संबोधन करते हैं, दिग्गज नेता के नाम से, अरे वो कैसा दिग्गज नेता है जी, जो सूर्यास्त होने के बाद लाइट कटता है कि 12-1 बजे तक लाइट ही नहीं आता है, क्षेत्र का कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो बिना पैसा से कुछ मिलता है, ना अगुआ आवास, ना वृद्धा पेंशन, ना कुआं, ना तालाब, जैसे बाजार का दुकान में बिना पैसा का कुछ नहीं मिलता है, वैसे सरकारी सरकारी मने ये कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में बिना पैसा का कुछ नहीं मिल रहा है, यानी ब्लॉक बाजार का दुकान बन गया। अगर थाना जाइएगा, अगर आपका दोस्त नहीं है, दूध की तरह साफ है, पैसा नहीं है, फिर भी नहीं है, पहुंच नहीं है, थाना जाइएगा, डांट के, धमका के, हड़का के साबित कर देगा आप ही का दोस्त है, और कोई एकदम दिन दहाड़े सबके नजर में भी गलत किया है, लेकिन उसका पैसा है, पहुंच है, फिर भी है, और वो थाना जाता है तो उसको क्या करता है कि कुर्सी में बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, उसको बता दिया जाता है आपका कोई दोस्त नहीं है, मतलब जिसका दोस्त था उसको कर दिया ना, जिसका दोस्त ना
उसको कर दिया था, तो था को ना और ना को था करने वाला चल रहा है न्याय। अच्छा अंतिम सवाल रहेगा, जयराम महतो के नामांकन में देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे हैं, लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो के प्रचार प्रसार में जयराम महतो जा नहीं पाए थे, क्या इस बार आपके नामांकन में जयराम महतो आएंगे? जी हमारा क्षेत्र के जितने भी प्रखंड है सभी प्रखंड में सभा करेंगे, ये टाइगर जयराम दा बोले हैं। नामांकन में कौन कौन ऐसे आ सकते हैं, जैसे आप देवंती मुंडा के नामांकन में गए थे, आज जयराम महतो के नामांकन में आए हैं, जयराम महतो क्या आपके नामांकन में आएंगे? जी अगर समय मिलेगा, समय मिलेगा तो जरूर आएंगे, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं, वो हम लोग एक सेना है, वो हमारे सेनापति है, उसके अगुवाई पे उसके निर्देश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जरूर अगर समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। 20 दिन से भी कम समय बचा है दादा, आपका चुनाव होने को है, पहला चरण में आप लोग का क्षेत्र आता है सिली विधानसभा क्षेत्र, क्या तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, कुछ कुछ तैयारी बची हुई है? देखिए तैयारी की बात करें तो तैयारी तो पूर्ण हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि बीच बीच में बिगाड़ने वाला जाता है, बिगाड़ता है, दिग्भ्रमित करता है, जैसे शिकारी लोग का नहीं बताया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लेकिन लव में फंसना नहीं। और एक बात सच्चाई है कि हमारे जो सम्मानित जनता है वो कहीं ना कहीं जितना जागरूक होना चाहिए, जितना शिक्षित होना चाहिए उतना नहीं है, जिसका गलत फायदा यहाँ के नेता लोग उठाते हैं, इसीलिए क्षेत्र में मेहनत और करने की आवश्यकता है। मतलब आप और जो कुछ दिन बचा हुआ उसमें काफी ज्यादा मेहनत करेंगे, जान झोंक देंगे तीन और एक करके। क्या लगता है सिल्ली विधानसभा देवेंद्र नाथ महतो इस बार निकाल पाएंगे? देवेंद्र नाथ महतो का तो नाम होगा लेकिन जीत वहाँ की जनता का होगा, और जीत और वहाँ का जनता का अगर वहाँ का जनता का खुशहाल होगा, वहाँ का जो भी वीडियो होंगे, सीओ होंगे, थानेदार होंगे, वो जनता का सेवा करेंगे, ईमानदारी लोग का जीत होगा तो ईमानदारी से काम होगा। नाम मेरा तो एक वोट है जी, खाली एक वोट से थोड़ी जीतता है कोई, नाम मेरा होगा, बाकी जनता वहाँ का चुनाव लड़ रही है, वहाँ का संगठन हमारा चुनाव लड़ रहा है, तो संगठन और जनता का जीत होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देख सकते हैं हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जो कि जेएलकेएम पार्टी से दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इस बार, और इसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे क्या कुछ तैयारियां चल रही थी, कहा कि अमित महतो जो थे पार्टी में काफी सस्पेंस बना हुआ था कि यहां पे देख सकते हैं अगले नामांकन में अमित महतो भी आए हुए थे और आज अचानक से वो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसको लेकर हमें तमाम चीजें थी जो चीज हमने देवेंद्र नाथ महतो से बातें की। खैर अभी शाम का समय है और काफी ज्यादा मीडिया वाले भी यहाँ पहुंचे हैं, दादा का देखिए इंटरव्यू चालू हो गया है यहाँ पे, और तमाम चीजों को हम लोग दिखाते रहेंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र नाथ महतो कितनी मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं। सभी को जोहार।